तो वीवो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 34 मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा 23 सितंबर 2021 थर्सडे को। यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस की टीम का अगर सबसे ज्यादा पड़ा किसी टीम के खिलाफ भारी रहा है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ही रहा है। पिछले जो 12 मुकाबले खेले गए इन दो टीमों के बीच में पिछले 12 मैचों में से मात्र एक ही मैच में केकेआर की टीम को जीत मिली है, जबकि 11 मुकाबले मुंबई इंडियंस की टीम ने जीते, वो भी एक तरफा कई सारे मुकाबले जीते। तो बीते कुछ सालों से मुंबई इंडियंस की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पर काफी ज्यादा हावी रही है, जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल 2021 पार्ट 2 में मुंबई इंडियंस की टीम एक मुकाबले खेल चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 20 रन से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो केकेआर की टीम आरसीबी के खिलाफ जीत कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं केकेआर के हौसले बुलंद जरूर होंगे। एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम जो फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है, 8 मुकाबले खेले, 4 में जीत 4 में हार, 8 अंक है, जबकि दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, ये भी 8 मुकाबले खेल चुकी है, जहां 3 मैचों में जीत 5 मैचों में हार और टोटल 6 अंक है। 6 अंकों के साथ छठे स्थान पर केकेआर की टीम मौजूद है। तो वहीं आईपीएल 2021 में ऑलरेडी इन दो टीमों के बीच एक मुकाबला खेला जा चुका है, जिस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया था। ऐसे में क्या केकेआर की टीम आईपीएल 2021 पार्ट 2 में अपना रिवेंज ले पाएगी मुंबई इंडियंस को हराकर या फिर नहीं, जहां आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम से बड़ी अपडेट्स आ रही है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के इंजरी को लेकर कि वो फिट है या फिर नहीं। उनके कोच महेला जयवर्धने ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है इनको लेकर, तो पूरी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस मैच की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, वेदर कंडीशन, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, स्टेट्स और सभी रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे, जबकि इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कि किन 11-11 खिलाड़ियों के साथ दोनों टीम मैदान पर उतरने वाली है, दोनों टीमों की टीम न्यूज क्या है, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रिडिक्शन के बारे में आपको बताने वाले कि यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम जीतेगी मुकाबला या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मुंबई इंडियंस को हरा कर करेगी उलट फिर। अंत तक यह वीडियो पूरी देखिए, पूरी विस्तार से बताने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो की ओर तो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 34 कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा 23 सितंबर को। यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से यह मैच भी स्टार्ट होने वाला है, जिसे आप लाइव देख सकते हैं अपने टीवी चैनल स्टार स्पोर्ट्स के सभी नेटवर्क पर, जबकि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इन दो टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक टोटल 28 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां इन 28 मैचों में मुंबई इंडियंस को 22 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को इन 28 मैचों में मात्र 6 मैचों में ही जीत मिली है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में मुंबई का पलड़ा कितना भारी है कोलकाता पे, जहां केकेआर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर मुंबई के खिलाफ 232 रन रहा है इतिहास में, जबकि सबसे लोवेस्ट कम स्कोर 67 रन रहा है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो वहीं मुंबई इंडियंस का सबसे हाईएस्ट स्कोर केकेआर के खिलाफ 210 रन रहा है, तो वहीं सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे कम स्कोर केकेआर के खिलाफ मुंबई का 108 रन रहा है। अब अगर हम बात करें यूएई के बारे में, तो यूएई में इन दो टीमों के बीच अब तक टोटल 3 ही मुकाबले खेले गए, एक साल 2014 में जिसे केकेआर ने मुंबई को 41 रन से हराया था, तो वहीं साल 2020 में भी 2 मुकाबले खेले गए थे और मुंबई इंडियंस की टीम ने 2 ही मुकाबला केकेआर की टीम को हराया था। अब ऐसे में 3 मैचों में से 2 में जीत मिली है मुंबई इंडियंस को और 1 मैच में केकेआर की टीम को। अब के लिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में। तो गाइस ये पिच एक गेंदबाजी पिच मानी जाती है, जहां स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती है, लेकिन अब तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवर में मदद मिलना शुरू हो चुका है। इस मैदान पर पिच थोड़ी बहुत बदल चुकी है, अगर तेज गेंदबाज अच्छी जगह गेंदबाजी करेंगे तो उन्हें विकेट भी मिल सकते हैं शुरुआती ओवर में। अब चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में। तो गाइस यूएई की यह पिच पहले स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती थी, लेकिन अब यह पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पिच बन चुकी है, जहां शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। अगर अच्छी जगह पर गेंदबाजी करेंगे तो वहीं बीच के ओवर में स्पिनर्स की भूमिका बढ़ जाती है, जबकि बल्लेबाज भी इस मैदान पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं शुरुआत में अगर अपनी विकेट बचाकर खेलेंगे तो। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अबू धाबी के शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम का जो आईपीएल इतिहास रहा है वो कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस मैदान का सबसे हाईएस्ट स्कोर पंजाब किंग्स ने बनाया था 206 रन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ साल 2014 में। तो इस मैदान का सबसे लोवेस्ट सबसे कम स्कोर आरसीबी ने बनाया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ साल 2014 में ही 70 रन। तो इस मैदान का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बेन स्टोक का है, जिन्होंने 107 रन बनाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ साल 2020 वाले आईपीएल में, जबकि इस मैदान का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी
रिकॉर्ड है वो वरुण चक्रवर्ती के नाम है, कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्टर स्पिनर जिन्होंने 5 विकेट लिए थे 20 रन देकर साल 2020 में। तो इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट कुछ इस तरह से है, जहां यूएई में काफी ज्यादा गर्मी होती है, इस मैच के दौरान भी काफी गर्मी होगी लेकिन थोड़ी कम होगी और दिनों के मुकाबले 30 डिग्री सेल्सियस होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं इंजरी रिपोर्ट्स के बारे में। तो गाइस रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में नहीं खेले थे क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी इंजर्ड थे, हालांकि इंजरी काफी मामूली थी, चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। अब अपडेट्स आया है मुंबई इंडियंस के खेमे से, जहां इनके हेड कोच महिला जयवर्धन ने कहा है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ये दो खिलाड़ी बढ़िया रिकवर कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली अगले मुकाबले में यानी कि केकेआर के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ट्रेंट बोल्ट ने भी कहा है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या फिट हो चुके हैं और अगले मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में कि यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। तो प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है दोनों ही टीमों की, जहां केकेआर की तरफ से एज अ ओपनर शुभमन गिल होंगे, जबकि नंबर 2 पर वेंकटेश अय्यर, ये दोनों ही काफी युवा ओपनर बल्लेबाज हैं और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आरसीबी के खिलाफ शानदार शुरुआत दिलाई थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। जहां तक बात रही शुभमन गिल की तो अपने शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, 6 टच में दिखाई दे रहे हैं, जहां इससे पहले खराब फॉर्म में चल रहे थे। बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी होंगे जो कि ये भी टॉप ऑर्डर युवा बैट्समैन है। नंबर 4 पर नीतीश राणा, जबकि नंबर 5 पर जॉन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन। अगर हम बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, केकेआर के विकेट कीपर बैट्समैन जो कि लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले एज अ फिनिशर की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 पर आंद्रे रसल, जबरदस्त ऑलराउंडर जिन्होंने क्या शानदार जबरदस्त गेंदबाजी कराई थी आरसीबी के खिलाफ। वहीं अगर हम बात करें नंबर 8 की तो नंबर 8 पर सुनील नारायण जो कि ये भी एक शानदार ऑलराउंडर रही हैं, बेहतरीन स्पिन बॉलिंग के साथ साथ काफी शानदार हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। अगर हम बात करें नंबर 9 की तो नंबर 9 पर लुकी फर्ग्यूसन, बेहतरीन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज। इसके बाद नंबर 10 पर होने वाले हैं वरुण चक्रवर्ती, बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर, जबकि नंबर 11 पर प्रासिद कृष्णा, बेहतरीन युवा तेज गेंदबाज। तो ये तो रही कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। अब चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। तो एज अ ओपनर नंबर 1 पर हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन जो कि पिछला मुकाबला नहीं खेले थे और इनकी जगह पर कप्तानी कारण पोलार्ड करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस मुकाबले में मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा की वापसी होने जा रही है और कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे और ओपनिंग की बल्लेबाजी भी, जहां इनकी जगह पर इससे पहले अनमोलप्रीत सिंह से ओपनिंग की बल्लेबाजी करवाई गई थी लेकिन वो फ्लॉप हो गए थे, मात्र 16 रन ही बना पाए थे 14 बॉलों में। अगर हम बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर क्वांटम डिकॉक, जबरदस्त विस्फोटक विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर, जबकि नंबर 3 पर होने वाले सूर्य कुमार यादव, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। नंबर 4 पर ईशान किशन, बेहतरीन युवा विस्फोटक बल्लेबाज, जबकि नंबर 5 पर कारन पोलार्ड जो काफी शानदार हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करा सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, बेहतरीन ऑलराउंडर, और इनकी जगह पर सौरभ तिवारी को खिलाया गया था जिन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, 50 रन भी बनाए थे लेकिन लास्ट में थोड़ी बहुत हिटिंग करनी चाहिए थी जो नहीं कर पाए थे। अगर हम बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 पर कुणाल पांड्या ऑलराउंडर, जबकि नंबर 8 पर आदम मिलने, न्यूजीलैंड के बेहतरीन गेंदबाज। वहीं अगर हम बात करें नंबर 9 की तो नंबर 9 पर राहुल चेर, बेहतरीन स्पिनर, जबकि नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट तेज गेंदबाज। वहीं नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह यानी कि यॉर्कर किंग। तो गाइस सीरीज मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए मोस्ट लाइकली लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 होने वाली है दोनों ही टीमों की। अब चलिए बात करते हैं मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो गाइस अगर स्टेट्स रिकॉर्ड्स देखें तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम यहां पर है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां पर है, यानी कि पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है मुंबई इंडियंस का। पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरह से हावी रही है केकेआर के खिलाफ और ये किसी को नहीं पता होता है। मेरा मानना है कि जिस टीम का दिन अच्छा होता है वही टीम बढ़िया प्रदर्शन करती है और मुकाबले जीतती है। इस मुकाबले का प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत मुंबई इंडियंस के पक्ष में ही रखूंगा, मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस 60%, तो केकेआर के टीम भी जीतने के चांसेस 40% है मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि यह मुकाबला केकेआर की टीम भी जीत सकती है, मुंबई भी जीत सकती है। तो इसको लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया गया है। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी फटाफट ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, चाहे वो लिंक हो या फिर वीडियो या फिर लगातार सबसे पहले अपडेट्स न्यूज। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।